किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। खेती किसानी को कुछ ऐसे क्षेत्रों के साथ भी जोड़ा जा रहा है जिससे कि आपकी आय में अतिरिक्त इजाफा हो सके। इसी सिलसिले में हमें अधिक जानकारी दी नीति आयोग के मेंबर प्रोफेसर रमेश चंद्र ने। आइए उस जानकारी पर डालते हैं एक नज़र। मेरे साथ है नीति आयोग के प्रोफेसर रमेश चंद्र जी हैं। सर, फार्मर के जो डबल इनकम है इसके बारे में आप बताइए सर। जी, ऐसा है कि आज तक हम जो लक्ष्य रखते थे वो प्रोडक्शन के लक्ष्य रखते थे। अब जब से प्रधानमंत्री जी ने डबलिंग फार्मर इनकम का बात किया है तब से एक पैराडाइम शिफ्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं कि अब हमारा जो लक्ष्य है प्रोडक्शन के साथ साथ किसान की आय को बढ़ाने का भी होना चाहिए। नीति आयोग ने एक रोड मैप बनाया है नेशनल लेवल पे और उसमें हमने कोई 6 एरिया आइडेंटिफाई किए हैं। तो उसमें पहला ये है कि हमने उत्पादकता में वृद्धि करनी है, फिर ये है कि जो एफिशिएंसी है इनपुट को यूज़ करने की, जिसकी बात मैंने आज भी की, उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। तीसरा ये है कि डाइवर्सिफिकेशन, के जो हम डिमांड देखें वो सीरियल का बहुत कम ग्रोथ है लेकिन फ्रूट, वेजिटेबल, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट उसका ज़्यादा है, तो उसकी ओर डाइवर्सिफिकेशन करके भी उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। फिर ये है कि हमारे देश में जो हम दो फसलें लेते हैं केवल 40% क्षेत्र पर लेते हैं, तो दो फसलों के अंडर जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना, उससे भी एक इनकम का साधन बढ़ेंगे। सबसे बड़ा एक सोर्स इनकम फार्मर की बढ़ाने का है कि उसके लिए प्राइस रियलाइजेशन बेटर कैसे हो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने और नीति आयोग ने एक रिफॉर्म एजेंडा बना के सभी स्टेट्स के साथ उसको शेयर किया है कि आप अपने मंडी सिस्टम में परिवर्तन करें ताकि उसमें डायरेक्ट बाइंग हो सके, कंट्रैक्ट फार्मिंग हो सके, सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस हो, ई नेम जो है उसको बढ़ावा मिले, उस तरह की चीज़ों को हमने रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से सभी स्टेट को रिवाइज्ड गाइडलाइन इशू कर दी हैं कि आप इन स्पीसीज को जो प्राइवेट लैंड पे होनी चाहिए उसको आप इन बंदिशों से जो है हटा दीजिए। और एक फाइनली कि कुछ जो फार्मर्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन है हमारी लैंड पे, उनको कैसे नॉन एग्रीकल्चर में ले जाया जा सके, एक वो जरिया है। तो इस तरह से हमने एक ओवरऑल रोड मैप डबलिंग फार्मर इनकम का बनाया है। सर, अगर हम बड़े किसान को देखते हैं तो उनके पास एक तरह के सोर्सेस हैं और उनके पास पैसे भी हैं, लेकिन अगर हम छोटे और मंझोले किसान के देखते हैं तो उनके पास ऐसा कोई सर स्रोत नहीं है, तो वो कैसे अपनी इनकम को डबल कर पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन देखो, यदि आप फर्टिलाइजर यूज़ देखो, तो छोटे फार्मर के यहाँ बड़े फार्मर से कहीं बेहतर फर्टिलाइजर यूज़ होता है और स्मॉल फार्मर को एक बहुत बड़ा लेबर का एडवांटेज है और एग्रीकल्चर एक लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है। फिर भी उसकी ये जो स्केल फैक्टर को रियलाइज करते हुए जो एक एम्फेसिस है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए ताकि वो मिलजुल कर उसका जो स्केल के डिसएडवांटेज हैं उसको वो देख सकें। और इसी तरह से एक हमने नया लैंड लीज मॉडल एक्ट सभी स्टेट्स को दिया है कि यदि कोई छोटा फार्मर एक दूसरे की लैंड लीज करके अपने जोत का आकार बड़ा करना चाहता है तो ये एक मॉडल ला स्टेट अडॉप्ट करें, जो ये तरीके सुजेस्ट किए हैं। नॉर्थ ईस्ट और आपके पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, पूर्वोत्तर की बात करते हैं, तो वहाँ के लिए नीति आयोग क्या जो है योजनाएँ बनाई हैं। अब ऐसा है कि हमारी एक टास्क फोर्स थी जिसने ईस्टर्न इंडिया में प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए उस पर एक स्पेशल ध्यान दिया है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट की ओर भी स्पेशल ध्यान दिया गया है। तो आप देखोगे कि एक तो ईस्टर्न रीजन टेक्नोलॉजी के टर्म्स में बैकवर्ड था, तो अब आप देख रहे हैं कि इवन ICR के भी नए नए संस्थान ईस्टर्न इंडिया में खुल रहे हैं, जैसे एक नया IARI, बायोटेक स्ट्रेस का एक नया इंस्टीट्यूट रांची में। तो एक तो R&D का कि ईस्ट की ओर हम R&D को जो है विशेष तौर से इसको लेकर जाएं।
दूसरा आप देखोगे कि जो प्रोक्योरमेंट पहले नॉर्थ में या साउथ में होता था, अब धीरे धीरे जो प्रोक्योरमेंट है वो ईस्टर्न इंडिया की ओर, ताकि वहाँ के किसानों को भी हम MSP सुनिश्चित कर सकें कि उनको भी एक MSP सुनिश्चित लेवल पे मिल सके। इसी तरह से वहाँ एग्रीकल्चर क्रेडिट कम मिलता था, और एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कि जहाँ जहाँ वहाँ पर कृषि कम है, वाटर वहाँ अवंडेंट है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर स्टेट्स और सेंटर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनका शेयरिंग अरेंजमेंट है 60-40, 60 और 40%, 60 सेंटर और 40% स्टेट। तो उसके हिसाब से ये नए इनिशिएटिव हैं जो उनके लिए किए जा रहे हैं।